नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। आज हमारे बीच में है दिल्ली की सुप्रसिद्ध सिंगर दिव्या शक्ति जी। इनसे हम जानेंगे कि उनका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ और उन्होंने अपने संगीत के सफर की शुरुआत कैसे की। मैम, अपने संगीत का सफर कैसे शुरू किया? मेरा सफर बचपन से मुझे शौक था गाने का, तो स्टार्टिंग मेरी जागरण से हुई थी। मैं जागरण में गाती थी और धीरे धीरे फिर थोड़ा मेरा जॉनर चेंज हुआ। अब मैं शोज़ वगैरह करती हूँ और काफ़ी स्टार नेट्स वगैरह, मतलब सब तरीके के गाने कोशिश करती हूँ मैं, कि कोशिश करूँ हर तरह का गाने का। वैसे किस तरह के गाने आप ज़्यादा गाना पसंद करती हैं? मेलोडियस सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लग पसंद करती हूँ। जो नए बच्चे संगीत के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे? विशेष यही है कि वो मेन रियाज है। अगर आप रियाज करेंगे तो सब कुछ है, वो आपको सब कुछ दिलाएगा। रियाज नहीं है तो कुछ नहीं है, मेन रियाज है। इस तरह के जो शोज़ होते हैं जिसमें नए सिंगरों को एक अवसर मिलता है और ख़ास तौर पे एक बैंड के साथ गाने का, इसको आप कैसा मानती हैं? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, नए नए सिंगर्स को आगे बढ़ाने का, उन्हें मौका देने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा होना चाहिए। हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप गाकर सुनाएं तो हमें अच्छा लगेगा। रुके रुके से कदम, रुके बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम, रुके बार बार चले, रुके रुके से कदम। मैम, आपने बहुत अच्छा गाया। आप ये बताइए कि आप, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं को कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे सिंगर होते हुए भी, अच्छे गुण होते हुए भी, उनका परिवार का समर्थन नहीं मिलता। आपके परिवार का कितना सहयोग आपको मिला? परिवार का सहयोग है तभी मैं यहाँ पर हूँ, बिना सहयोग के तो नहीं पॉसिबल है। तो सहयोग, तो आपके परिवार में भी कोई क्या संगीत में था पहले? हाँ जी, मेरे परिवार में भी सब म्यूजिक से रिलेटेड है सब जी। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।